तेरे को नया दिन को नई गाड़ी, ये है भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ8L 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट। एंड इसको लेकर जा रहे हैं हम भाई दिल्ली टू लंदन। आपको पता ही होगा 23,000 किलोमीटर की हमारी रोड ट्रिप होने वाली है, 110 दिन के लिए हम गाड़ी चलाएंगे एंड बहुत सारे मजे करने वाले हैं। बट अभी लंदन ट्रिप से पहले भाई इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होनी है, जिसमें से 70% मॉडिफिकेशंस हो चुकी है। बची हुई 30% मॉडिफिकेशन आज हम करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें जाना है बिम्बरा 4x4 गुड़गांव उद्योग विहार में। एंड वहां पर भाई इसमें काफी मेजर मॉडिफिकेशन होने वाली है जो जरूरी है हमारी ट्रिप के लिए, जैसे कि ऊपर रूफ कैरियर में जो जेरी कैन और अपना सैंड लैडर लगेंगे वो हो गया, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन होगी जो सेफ्टी के लिए भाई बहुत जरूरी है, आगे लाइट्स का सेटअप देखेंगे कुछ जुगाड़ बन सके तो वो करवाएंगे। एंड इसके अलावा भी भाई थोड़े बहुत चेंजेस है, छोटी मोटी एक्सेसरीज। हाँ, फ्रिज खरीदना है भाई हमें, ताकि रस्ते में ना पानी वानी हम ज्यादा खरीदेना और प्लास्टिक कम यूज करें। अपनी बोतल लेकर जाएंगे एंड उसी को भर भर के फ्रिज में ही ठंडा करते रहेंगे गाड़ी में, क्योंकि मई जून में निकल रहे हैं तो प्रॉपर गर्मी तो होगी ना भाई। और लो भाई, गाड़ी लेके हम ऑलरेडी ना सिंगापुर पहुंच भी गए हैं। देखो मतलब ये गुड़गांव का ये वाला पार्ट जो है ना भाई, पूरा सिंगापुर वाली फील देता है, ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग हुए हुए गजब। ना लेट हो गया हूं भाई, मुझे लग नहीं रहा आज तो काम हो पाएगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और कल ही मिलेगी फिर मुझे, शाम को या फिर दोपहर में शायद। और ये आ गया भाई सामने बिम्बरा 4x4, वो खड़े है भैया। तो बोल दिया मैंने भैया को थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज आज ही करवा दो। तो अभी हम लेकर जा रहे हैं और इसका ना रूफ कैरियर भी चेंज होगा, जो बिम्बरा का है ना वो वाला लगवा रहे हैं हम, ये वाला हटवा के। इसका डिजाइन भी इतना मुझे पसंद नहीं आया था और इसमें जेरी कैन भी माउंट नहीं हो पा रहा जो इनके पास माउंटिंग है, तो इसलिए बिम्बरा का ओरिजिनल जो है वो ही कैरियर लगेगा, अंडर बॉडी लगेगी एंड और भी बहुत सारी चीजें है वो मैं अभी आपको दिखाता जाऊंगा जैसे जैसे काम होता रहेगा। भाई साहब क्या लुक आ रही है यार, और अभी जब वो वाला कैरियर ढंग से लगेगा ना, ऊपर सैंड लैडर और जेरी कैन लगेंगे, आगे बार लाइट लगेगी 20 इंची की, ओए होए होए भाई गाड़ी की लुक ही पलट जाएगी, मतलब खतरनाक लगेगी अपनी बीस्ट, होए होए बीस्ट गजब, माफिया स्कॉर्पियो बन रही है अब ये प्रॉपर। सही लग रहा है, बढ़िया वीडियोज देखना प्रॉपर सारी है। हैं? नहीं ये लंदन, दिल्ली टू लंदन। तो ये नीचे वर्कशॉप है जहाँ पे सारी गाड़ियों का काम चलता है एंड ऊपर जाके भाई इनका पूरा स्टोर है जहाँ पे डिस्प्ले में भी काफी आइटम है एंड इसके ऊपर जो है वो है अपना सारा स्टॉक रखा रहता है। तो मैंने टूर आपको दिखाया ये पहले भी, ये वेटिंग एरिया हो गया एंड यहाँ पे सारे भाई मतलब थार से रिलेटेड आप ज़्यादा चीज़ें देखोगे, चाहे वो बम्पर हो गए, रियर बम्पर हो गए, अलॉय व्हील्स हो गए, अंडर बॉडी हो गई, ग्रिल हो गई एंड इधर पूरा लाइट्स का सेटअप है, ये भी करेंगे फाइनल। पहले देखते हैं सैंड लैडर और हाँ रेड अच्छा लग रहा है। तो सैंड लैडर जिनको नहीं पता बता दूँ, ये होता है भाई, इसमें क्या होता है जब भी आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए ना तो इसको आप टायरों के नीचे दबा के कीचड़ या फिर मिट्टी या फिर बर्फ़ में से निकाल सकते हो। ये है भाई जेरी कैन, इस जेरी कैन में क्या है अपना फ्यूल आ जाएगा 20 लीटर एक्स्ट्रा डीजल, क्योंकि हमें रस्तों में पता नहीं भाई कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा कहाँ पे नहीं, तो हम हमेशा 20 लीटर कैरी करेंगे एक्स्ट्रा, तो वो इसमें मस्त फिट आ जाएगा रहेगा। ये मैं वो रेफ्रिजरेटर कह रहा था, शायद यही है या दूसरा है, पता नहीं, पूछते हैं, सारी बातचीत करते हैं। बाकी सैंड लैडर और जेरी कैन मुझे रेड पसंद आ रहे क्योंकि ब्लैक स्कॉर्पियो है उस पर रेड अच्छा लगेगा। अपनी थार के लिए ना मुझे ये वाला अलॉय व्हील बहुत पसंद आया था बट आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया नहीं, फिर खर्चा बहुत हो जाता तो इसे मैंने कहा छोड़ो अपना नॉर्मल अलॉय व्हील रखते हैं। एंड ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह भी लेंगे अच्छे से, पहले ऊपर चल के सैंड लैडर एंड फ्यूल टैंक का कन्फर्म करते। ये पूरा स्टॉक यार्ड है भाई, यहाँ पे सारा सामान रखा है। नहीं रेड में चाहिए, ब्लैक की लुक दिख जाएगी वैसे, पड़ा हुआ है कोई ब्लैक ब्लैक के साथ में दिखेगा नहीं। हाँ वैसे ये भी है, रेड ही सही है, अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो ना उसके साथ ब्लैक दिखेगा, तो रेड ही जेरी कैन ले लेते हैं। 20 लीटर है, 20 लीटर ये हो गया और एक रेड सैंड लैडर। लाइट बार में ये 32 इंच है भाई और ये है 20 इंच, लाइट फोर्स की है कह रहे भैया बढ़िया है, तो मेरे ख्याल यही साइज होगा 20 इंच, ये लग जाएगी आगे। बट क्योंकि अपने स्कॉर्पियो का बम्पर जो है ना वो भाई प्लास्टिक का है तो उस पर तो ये माउंट हो नहीं सकती, हमें अलग से वेल्डिंग करके जुगाड़ करके ना पक्की बाहर निकालनी पड़ेगी एंड उस पर ये माउंट होगी फिर ठीक है। बाकी इसके ऊपर का कवर भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिटीज़ में ना पुलिस वाले थोड़ी दिक्कत करते हैं कि ऐसे ओपन लाइट दीजिए तो चलान वलान हो जाता है, सबसे बढ़िया है ढक के चलेंगे, जब जरूरत होगी तभी यूज़ करेंगे। लो भाई सामान सारा डाल लिया है और एक और वेयर हाउस है, कहाँ पर है वो वाला आपका भैया जहाँ काम होता है? काम तो यहाँ पे भी होता है बट गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ मतलब दो जगह है टोटल, तो जब यहाँ जगह नहीं होती तो वहाँ पर जाके काम होता है, पास में ही है तो वहीं पे अपना सारा काम हो जाएगा मस्त। भाई गाड़ी पे काम जो है जोरों शोरों से शुरू हो गया, दो भैया यहाँ पे लग गए लाइट्स के लिए और दो भैया लग गए वहाँ पे रूफ कैरियर खोलने के लिए, अब उसकी जगह दूसरा लगेगा जो मैंने आपको बताया। तो लाइट्स का सेटअप हो जाए ना एक बार भाई मस्त मजा सा आ जाएगा। वैसे इसकी जो टॉप मॉडल की लाइट्स है ना ये अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे वाले राइड पे ऐसे दिखा देगी रोड, तो ये भी ठीक ही है पर ये जब लग जाएगी ना हुए पूरा भाई रोड पे उजाला ही उजाला हर तरफ। तो ये भैया पहले अंडर बॉडी लगा रहे हैं इस तरह की, ये स्टील है भैया मेटल है लोहा है?
लोहा है ये, तो ये वाली लग रही है भाई, तीन टुकड़ों में लगेगी टोटल, एक फ्रंट में, एक सेंटर में एंड एक लास्ट का कवर करते हुए। तो देखो यार अपनी स्कॉर्पियन में भी ना अंडरबॉडी लगी होती है, बट ये अजीब सा गत्ता या प्लास्टिक का मटेरियल है, तो इससे तो क्या ही बचेगा भाई। ये देख लो ये आगे की है रेडिएटर के वहाँ की, तो ये तो ना के बराबर ही प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए हम ये वाले लगवा रहे हैं मजबूत, कोई चट्टान आ जाए नीचे, लेकिन अपनी स्कॉर्पियन की बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लो भाई सारा सामान अपना आ गया, खुल गया, ये नहीं वो एलईडी लाइट जो मैं आपको बता रहा था, कुछ इस तरह से। ये रहा जेरिकन सैंड लैडर, ये क्या भैया वो नहीं आई ऊपर की अपनी रूफ रेल, कैरियर हाँ सॉरी। एंड ये देखो भाई वायर यहाँ से निकाल दी गई है लाइट्स के सेटअप के लिए, अभी वो वेल्डिंग वाला काम हुआ नहीं है, जो प्लेट सी लगेगी बट वायरिंग हो गई। एंड नीचे देखो भाई अंडर बॉडी लग चुकी है आगे की, भैया बीच की लगा रहे और उसके बाद पीछे की। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस में तो मुझे लग नहीं रहा कुछ फर्क आया होगा, बाकी फिर भी एक बार पूछ लेंगे भैया से। सही में भाई सब लगती तो गाड़ी बीस्ट है एकदम, है ना, जिस प्राइस पॉइंट में महिंद्रा ने निकाली है ना, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अगर ये है लंदन ट्रिप में धोखा नहीं देती हमें बीच में और पूरा प्रॉपर पहुंच जाती है, तो भाई 25,000 किलोमीटर एक ट्रिप में चलाना बहुत बड़ी बात है। फॉर्चुनर एंडेवर फेल है फिर तो 30 लाख के अंदर अंदर में, कहाँ फॉर्चुनर हुई रखी है 50-55 लाख की, एंडेवर भी थी 45-43 की। ये भाई महिंद्रा अपने इंडिया का लोहा, सही है भाई सही है मजेदार। तो भाई अगले 4 महीने के लिए अपना साथी अपनी प्यारी स्कॉर्पियो एनी होने वाली है, इसी में मटकना हमने इधर से उधर जहाँ भी जाना, हालांकि रहेंगे मोटल्स में ही बट पूरा दिन यही ड्राइव करनी है भाई, तो बस ढंग से रहे कोई दिक्कत ना आए गाड़ी में। तो अपना जो उतरा भाई वो ये है, इस वाले डंडों पे माउंट था एल्युमिनियम के, ये जो है तो ये किस मटेरियल से बना है, एमएस से बना हुआ है, तो ये एमएस से बना हुआ है पाइप से पूरा भाई मजबूत है, और इसमें इस तरह का डिजाइन है, बाकी बैजिंग भी दे रखी है बिमरा 4x4, चौड़ा तो नहीं आएगा, जेरी कैन आ जाएगा फिर लगाना एक बार, तो थोड़ा सा भाई चौड़ा कम, ये चौड़ा कम लग रहा है काफी, ये चौड़ा ज्यादा है, यूनिवर्सल है ये तो, हाँ ये स्पेशली इसके लिए बना है स्कॉर्पियन के लिए, तो इसमें भी सनरूफ तो खुलती है ना, पीछे हाँ, तो ये सनरूफ से पीछे ही रहेगा भाई, जेरी कैन भी आ जाएगा, हाँ तो ऐसे सेटअप बनेगा भाई अपना। हाँ अच्छा वैसे अगर इसको हम और उधर की तरफ ले तो यहाँ 10 लीटर वाला भी एक आ जाएगा ना कैन, है ना, तो हम ये 20 लीटर का रखेंगे अपना डीजल के लिए, और जो 10 लीटर वाला है वो DF का फ्यूल डलवा लेंगे, जो डीजल गाड़ियों में डलता है एड ब्लू भी कहते हैं, तो ये ठीक है ये सेटअप हो जाएगा सही, बिल्कुल कट्टू कट्टी आया है ना। अच्छा ये माउंट किस पे, रूफ रेल पे होता है, तो मतलब दबेगा तो नहीं, थोड़ा जगह रहेगी ना छत और इसके बीच में, ठीक हाँ हाँ ठीक है भाई ये सही है बिल्कुल करियर, अपने जो डिजाइन के हिसाब से लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, सनरूफ भी नहीं ढकेगी एंड जो भी सामान है वो भी आ जाएगा, सही रहेगा भाई। 10 लीटर वाले में DF भर के रखा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में मिले ना मिले और खत्म हो जाएगा तो दिक्कत होती है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती DF ना हो, तो 20 लीटर में डीजल 10 लीटर में DF, और जब इंडिया में होंगे तो दोनों में ही डीजल डल जाएगा, जैसे लद्दाख स्पीति जाना हो ना कभी, तो भाई क्या स्कॉर्पियो लगने वाली है खतरनाक, एंड ब्लैक के ऊपर रेड ही ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो छुप सा जाता है ना, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ब्लैक अच्छा लगता है या रेड अच्छा लगता है, मेरे को तो रेड अच्छा लग रहा है, बाकी आप बताओगे तो पता चल जाएगा। बाकी एक्चुअल में ये कैरियर बहुत मस्त है भाई, मतलब फिनिशिंग भी आप देखोगे ना बहुत तगड़ी लग रही है, एंड ओवरऑल डिजाइन भी अच्छा है, इसका डिजाइन इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे, ये इनोवा वगैरह जो टैक्सी में चलता है ना वो वाला लुक है, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि हाँ ऑफ रोडिंग 4x4 वाली गाड़ी है भाई तगड़ी। एंड आगे जो बार लाइट लग रही है ना उसका बटन भाई यहाँ पे लगाया गया, तो जब भी हमें ऑन करना है जो भी ड्राइव कर रहा होगा सीधा इसको दबाओ लाइट ऑन हो जाएगी और यहीं से बंद हो जाएगी, तो इधर की साइड में जुगाड़ सही है, ड्राइविंग करते करते नीचे हाथ करना है और लाइट ऑन मस्त। देखो भाई इस तरह की जो है ना ये प्लेट लग रही है अंदर की तरफ से, ये देखो इस तरह का डिवाइस कह रहा हूँ, मतलब ये जो भी है MF का LOA का, एक इधर लग गया एंड एक ये लगेगा नीचे की तरफ से यहाँ पर, एंड इसके ऊपर जो है अपनी ये वाली लाइट माउंट हो जाएगी मस्त। और यार ये जो रूफ कैरियर है ना इसमें 5 लीटर 10 लीटर वाला भी हमने वो जेरी कैन लगा के देखा बट फिट नहीं आ रहा, वो ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, तो अब हमें यही 20 लीटर वाला ले जाना पड़ेगा। तो ये देखो भाई माउंट बन गया जेरी कैन का और इस तरह से ऊपर लग गया, अब इसमें लॉक कैसे लगेगा, चलो भाई ये तो फिट होगा, पहले ना इनका अपना वही लॉक सा आता था जो मेरी थार में लगा, बट अब नॉर्मली है ये, इसमें क्या ताला लगा सकते हो आप अगर लगाना हो, बट ताले की जरूरत नहीं है, कौन सा कोई फ्यूल निकाल के ले जाएगा, तो अब ये पहले कैरियर ऊपर लग रहा है फिर सैंड लैडर फिट होंगे, तो इस तरह से लगेगा भाई, ये देख लो चौड़ा पूरा। ये देखो भाई रूफ के ऊपर नहीं आ रहा, अपनी रूफ जो है वो यहाँ तक है एंड ये इससे पीछे पीछे ही आ रहा है, फ्रंट से ना कुछ ऐसी लुक आएगी, आगे हमें जेरी कैन दिखेगा एंड इसके पीछे जो है वो अपना सैंड लैडर होगा। एंड इस वाले रूफ कैरियर का भी जो क्लैंप है ना वो भाई रूफ रेल में ही लगेगा, ना कि के बॉडी में, तो बॉडी पे कोई छेद नहीं होगा, ऐसे नीचे की तरफ से ये इसमें रूफ रेल में अटक जाएगा मस्त और उसमें पेच घुस जाएंगे। एक बार भाई सनरूफ भी खोल के देख लेते हैं कितनी जा रही है,
हाँ सही है भाई। तो ये रहा अपना रूफ कैरियर, इसमें से ये निकल भी सकते हैं, हल्का सा ये डंडा जो है इसके बराबरी पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बंदा को निकलना है निकल भी लेगा आराम से और इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मस्त हो गया ये है ना ऊपर का। चलो जी इसको बंद कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर से भी ना रैप हटानी है भाई, ये ऊपर रैप चढ़ी हुई है इसलिए ये पूरा ब्लैकआउट कर रखा है, बाकी ये तो है ही ब्लाइंड अपना। क्या मस्त लगेगी ना अपनी स्कॉर्पियो आने से लंदन ट्रिप पे भाई साहब, पूरा घर ही बना के ले जा रहे हैं इसको, जब सेकंड रो का गद्दा वद्दा लग जाएगा ना भाई बेड बन जाएगा तब दिखाऊंगा आपको क्या क्रेजी सीन्स हो जाएंगे। लो भाई अपना फ्रिज भी जो है वो आ चुका है गाड़ी में रखने के लिए, एंड ये कनेक्ट होता है भाई सिगरेट लाइटर वाले पोर्ट से जो कि हमारे पास सिर्फ डिक्की में ही है, इधर ले आओ भैया पहले। तो इस तरह से हम रख सकते हैं और यहाँ पर है इसका सिगरेट लाइटर का पोर्ट, ये 12 वोल्ट का। अब ये ना प्रॉपर कंप्रेसर वाला है तो इसमें क्या होता है आप कोई गर्म चीज भी रखोगे ना तो वो बिल्कुल चील्ड ठंडी कर देगा, आइस भी बना देता है ना मेरे ख्याल, माइनस में जाता है इसका टेम्परेचर जाता है ना, तो इसमें आइस भी जमा सकते हो आप। और एक आते हैं नॉर्मल वाले रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या जो भी आप टेम्परेचर अंदर रखोगे ना गर्म या ठंडा वो उसको सिर्फ मेंटेन करेगा लेकिन चील्ड नहीं बनाएगा, तो ये प्रॉपर वाला है भाई रेफ्रिजरेटर। इसमें दो वायरिंग है, अच्छा एक तो अपनी वो भी है प्लग के लिए, हाँ घर पे लगाना हो जैसे अगर, तो ये जो कंप्रेसर वाले होते हैं ना थोड़ा सा जगह तो जरूर घेरते हैं क्योंकि आप देखो इसमें जगह इतनी ही है और ये जो पार्ट है ये पूरा कंप्रेसर ने ढक रखा है, बट फिर वही बात है बिल्कुल प्रॉपर चील्ड करना आइस क्यूब चाहिए तो उसके लिए यही बेस्ट है, कैंपिंग वैम्पिंग में भी बहुत यूज आ जाता है। इसका प्राइस क्या है वैसे भैया? 32,000। ये विद GST है तो 32,000 रुपए के आसपास आपको पड़ता है। और वारंटी का क्या स्टेटस इसका, एक साल की आती है? ठीक है जी, मोको ब्रांड है ये, कहाँ का है ये? इसे फ्यूज व्यूज तो नहीं हो जाता? नहीं, इतना तो नहीं लोड लेगा कि पता चले गाड़ी के सब कुछ बंद पड़ा है। चलो भाई उधर वायर लगा दिया एंड अभी लाइट आई थी, ये देखो भाई करना टेम्परेचर कम, 26 पे है ना अभी। ये बोतल रख के देखते हैं इसमें भाई कि कितनी देर में ऐसे ठंडा सा होने लग जाएगा, ये रखते है छोटी, ये रख दी भाई अंदर। कितने पे? +26 पे, माइनस पे लाना ना मेरे ख्याल, हाँ -20 पे आ गया। थोड़ी देर चलने देते इसको, लेट्स सी कैसा रहता है। तो अभी ये जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना 26 डिग्री, ये आउटसाइड टेम्परेचर है और हमने रेफ्रिजरेटर को कर रखे -20, यानी ये मिनिमम -20 पे जाता है, फिर मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर लो बट हम -20 पे रखेंगे और -20 पे तो भाई बर्फ तक जमा देगा ये बोतल के अंदर, बट कितनी देर में ठंडा होता है वो नोट करते हैं। अभी फिलहाल रात के 9:57 हो रहे हैं तो 10-15 मिनट डाल के देखते हैं कितना ठंडा होता है। ठीक है, अब इस फ्रिज का ना ये फायदा है कि पानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सब तो रख ही सकते हैं, जूस रख लिया और कुछ अगर रेडी टू ईट मटेरियल भी रखना ना तो भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, बढ़िया से हो जाएगा। जब तक पानी ठंडा हो रहा है भाई सामने की अपनी मस्त लाइट भी लग चुकी है, ये देखो क्या लुक निकल के आ रहा है ना भाई सब गजब का। और अब ये लाइट ऑन करके मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा, यहाँ तो अभी इतना पता नहीं चलेगा बट भाई ये बहुत तेज लाइट है, मैंने देख लिया। अंदर भी देखो भाई कितनी लग रही है, 1, 2, 3, 20 LEDs है, 20 इंच का है तो 20 ही LEDs है एंड बहुत तेज लाइट है भाई गजब। साथ ही साथ ऊपर अपना रूफ कैरियर भी लग चुका है, ये देख लो आगे की तरफ ये रहा अपना जेरिकैन एंड पीछे की तरफ ये रहे अपने सैंड लैडर, दोनों को अच्छे से कस दिया गया है। भैया ने बताया कि रस्ते में क्योंकि काफी लंबा ट्रिप है तो इसके भी नट बोल्ट ना चेक करते रहना कि लूज ना हो जाए, तो सही बात है भाई 5-10 दिन की ट्रिप नहीं है 110 दिन की ट्रिप है तो चेक करते रहेंगे बीच बीच में। और भाई साहब ये जो फ्रिज है ना मोको का ये स्मार्ट भी है एक तरह से, इसमें ऐप है इनकी तो ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो और फोन से ही बैठे बैठे कनेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल कर सकते हो कम माइनस, है ना सही चीज है। तो भाई साहब सक्सेसफुल है वैसे ये लोगों का, बढ़िया रहता है। और यहाँ तो 2 साल की लिखा हुआ है कंप्रेसर की वारंटी और 1 साल की है अपना मेन डिवाइस की वारंटी, तो ये वाला अपना यूज में नहीं आया कमल भैया को वापस दे देंगे, हमारे तो काम का नहीं है किसी। अभी ये भाई फिट नहीं आ पा रहा इसमें तो यहीं छुड़वा देते हैं बाद में दे देंगे। एंड फ्रिज की टेस्टिंग चल रही है, हम जा रहे हैं दूसरे वाले स्टोर पे, वहां पर आपको थोड़ा प्राइजेस वगैरह बताता हूँ क्या क्या चीजें कितने की लगी है और थोड़ा स्टोरेज यूनिट के लिए भी वो जो ऐसे थार में हमारे है ना ऑर्गेनाइजर वो देख लेंगे लगा के। चलो भाई चलो निकलते हैं यहाँ से, अब थोड़ा सा सामान मैंने सेट कर लिया था पीछे ढंग से ताकि सब कुछ आ जाए। यहाँ पे भाई स्टीकर लग चुका है बिमरा 4x4 का एंड भैया ने मग भी दिया है बिमरा 4x4 का, तो ये रस्ते में ट्रिप में काम आएगा कुछ चाय कॉफी पीनी हो तो। एंड यहाँ पे ना ये थार वाला ऑर्गेनाइजर है, लेट्स सी। स्कॉर्पियो के लिए वैसे नहीं बनाते आप ये अलग से? वैसे थार और इसका मेरे को लग तो रहा है सेम डायमेंशन हो गए, लगा के देख लेते अगर फिट आ गया तो सही है फिर। इतना ये सिलाई है ना थार के हिसाब से बनी हुई है, ये इधर आ रहा है, इसमें बुश है आगे की तरफ। हाँ वैसे चौड़ाई पूरी उतनी है ना? हाँ चौड़ाई ठीक है, सीट के हिसाब से चौड़ाई तो। हाँ तो ये इधर आ रहा है, थोड़ा ऊपर करके लगाना खींचना इसको। हाँ ऐसे लग जाए अगर? नहीं नहीं लगेगा, एड्रेस नहीं बैठेगा।
चलो ठीक है कोई नहीं। सबसे पहले तो भैया अंडर बॉडी का बता दो, ये जो मेटल वाली है तीन पीस की कितने का है? अंडर बॉडी किट है सर 13,990। और इसमें एक पार्ट भी आगे आगे का भी मिलता खाली या पूरा ही आएगा? नहीं अंडर बॉडी कम्प्लीट ही मिलती है 13,990 का। ठीक है, ऊपर ये जो रूफ कैरियर लगा है ये कितने का? रूफ कैरियर 9,990। और इससे सस्ता या महंगा भी है कुछ अपने पास? नहीं फिर कस्टमाइजेशन में अगर आप बड़ा बनवाओगे इससे थोड़ा सा तो फिर उसमें रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये जेरी कैन और सैंड लैडर? जेरी कैन 5,990, इसकी माउंटिंग अलग से है 3,000 रुपए की, मतलब 8,990 जी। और वो सैंड लैडर? सैंड लैडर 11,990 प्लस उसकी माउंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया। और रेफ्रिजरेटर का आपको रेट बताई दिया, बाकी लाइट का बता दो भैया। हाँ, ये पहले तो जो माउंटिंग बनाई है ये आपकी अपनी कस्टमाइज्ड है, वो जो प्लेट्स वो कितने की है? 1,790 रुपए की है, मतलब 1,790 की माउंटिंग हो गई। हाँ, प्लस लाइट हो गई आपकी 26,000 रुपए की, मतलब 28,000 में बन जाएगा। हाँ, वायरिंग सर 1,000 रुपए की, 29,000-30,000 ही लगा लो तो 30,000 में आपको ये 20 इंच वाली मिल जाएगी। और वैसे जो 30 इंच वाली है वो कितने की पड़ेगी? 30 इंच में सर इसमें नहीं है, इसमें 20 इंच आती है। अच्छा, और 32 फिर बुश रेंजर में आती है। अच्छा, वो क्या है, वो महंगी पड़ेगी, बुश रेंजर की महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई ये 26 की है तो 30-35 के करीब पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को तो इसकी लाइट सही लगी, अभी मैं आपको रस्ते में अंधेरे में दिखा दूंगा। बाकी काम अपना मस्त हो गया, मेरा तो जल्दी में करवा दिया भैया ने, बट वैसे टाइम लगता है ना, 1-2 दिन तो लगेंगे आराम से। टाइम लगता नहीं, 4-5 घंटे का काम तो होता है। अच्छा ठीक है, मेरा तो जल्दी खिंचवा दिया क्योंकि अब निकलना है भाई किसी तरह। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। हाँ, आके मिलेंगे आपसे बिल्कुल, हैं और सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू बताएंगे कैसा रहा। ठीक है जी, चलो भाई अब हम चलते हैं और रस्ते में आपको लाइट की टेस्टिंग दिखाता हूँ, साथ में अपना फ्रीजर भी होना है, तो अभी तो ऑन नहीं है, मतलब ऑफ कर रखा है, बट रस्ते में चलती रहेगी गाड़ी तो पता चल जाएगा। तो अभी देखो भाई लोग रोड पे आप पूरा खाली पड़ा है, हालांकि अपना आईफोन कुछ ज्यादा ही रोशनी दिखा रहा है बट एक्चुअल में बहुत अंधेरा है। तो पहले मैं ना इसकी आपको लो बीम करके ऑन दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये तो अपनी स्कॉर्पियो N की लो बीम है, जो ओरिजिनल लो बीम आई है इसमें वो। अब मैं इसको आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो अभी इसके फोग लैंप जो है ना वो ऑफ पड़े हैं फिलहाल में, मैं फोग लैंप भी ऑन कर देता हूँ। ये देखो भाई, तो इतनी रोशनी है अपने स्कॉर्पियो N की, जो कि के भाई बुरी नहीं है बट इतनी इनफ नहीं है कि जो पहाड़ वाले रस्तों में काम आ सके। बट अब इसी सेम रस्ते में ना मैं वापस से घुमा के लेकर चलता हूँ आपको अभी तो, क्योंकि आगे लाइटें आ गई है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको जो मैंने LED बार लगवाई है ना उससे कितना फर्क आएगा। तो अब मुझे भाई और भी सुनसान रास्ता मिल गया है, तो यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ मैं और नीचे से ना बटन करता हूँ ऑन। अभी पूरा हेडलाइट सेटअप ऑफ है बट DRL जल रहे है अपनी गाड़ी के। मैं नीचे से करता हूँ 1, 2, 3। ये देखो भाई क्या रोशनी है, मतलब ऐसे जगमगा सा गया पूरा रोड। और अभी अपना हेडलाइट सेटअप पूरा का पूरा बंद है, ना फॉग लैंप जल रही है ना हेडलाइट जल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उस LED बार का कमाल है। देख रहे हो, मतलब इस स्पॉट में तो कितना ज्यादा रोशनी रोशनी कर दी पूरी, ऐसे ना ढंग से सब कुछ दिख रहा है रोड का, और ऐसा नहीं लग रहा भाई चांद पे आ गया हूं मैं। ओ भाई साहब, अब मैं इसी के साथ साथ आपको ऑन करके दिखाता हूँ हेडलाइट सेटअप भी। ये देखो भाई, ये हेडलाइट जल गई, ये फॉग लैंप जल गई एंड हाई बीम हो गया। तो अब ये पूरा सेटअप मेरा ऐसा है, काफी दूर तक जो है वो रोशनी जा रही है भाई आराम से, तो मस्त। अब कोई भी अंधेरे वाला एरिया हो पूरा जगमगा जाएगा रास्ता। अब जो हम वो सिंगल सिंगल वाले फॉग लैंप लगवाते हैं ना जूम के, वो मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि ना वो दो तरफ से लाइट मारते हैं एंड रोशनी को ना दूर तक भी फैलाते हैं एंड रोड को पूरा ना ऐसे चपाट व्हाइट कर देते हैं। बट ये जो LED बार है ना भाई, ये बीच में ही एक स्पॉट सा बना रही है, हालांकि रोशनी इसकी भी अच्छी है नो डाउट, बट उससे बेटर नहीं है। बट स्टिल अपना काम चल जाएगा भाई, अब इस ट्रिप पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से फाइनल मॉडिफिकेशन थी, बस अब थोड़ा सा रैप में चेंजेस करने हैं हमें, वो होते ही अपनी गाड़ी जो है वो ऑल सेट टू गो है, मतलब लंदन जाने के लिए। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिमरा 4x4 का पूरा डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको भी कोई भी चीज लगवानी हो तो जाके आप लगवा सकते हो। एंड थकान और आंखों में नींद जो है वो बुरी तरह से भरी पड़ी है इस टाइम पे, घर जाते हैं फुटेज ट्रांसफर करते हैं एंड सो जाते हैं भाई। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देम गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी, टाटा बाय बाय।